हेलो दोस्तों, निकल रहे हैं गाड़ी लेके। जैसे हर रोज़ निकलता हूँ मैं गाड़ी लेके, चलते हैं काम पे, देखते हैं होता क्या है। गाड़ी मैंने साफ़ कर ली है, ठीक है। गाड़ी मेरी ये है और यही चलाता हूँ दिल्ली में, और पूरा अपडेट देता हूँ आपको क्या क्या हो रहा है, का क्या क्या नहीं होगा, काम कैसा हुआ, कितने का हुआ, कौन सी सवारी मिली, कौन सी सवारी नहीं मिली। यही है, दिल्ली भी घूम लेते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं यूट्यूब फेसबुक के लिए, और आप लोग वीडियो देखते हो उसके लिए धन्यवाद। और एक खुशखबरी और है, जल्दी ही मेरा ना 500 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, आजकल में हो जाएंगे 500 सब्सक्राइबर। 1000 पे चैनल मोनेटाइज हो जाता है, 1000 पे चैनल मोनेटाइज हो जाता है। 4 महीने हो गए मेरे को, और जो है ना 4 महीने हो गए हैं और 500 सब्सक्राइबर आज हो जाएंगे, यानी कि 500 और चाहिए। 500 होने के बाद में ना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, चैनल मोनेटाइज होने के बाद में ना इनकम शुरू, यानी कि पैसा आना शुरू हो जाएगा हमारा। अभी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने और लगेंगे। जैसे कि मैं बोलता हूँ भाई, मैं हार नहीं मानूंगा, करता रहूँगा और कर रहा हूँ। भगवान की कृपा से 500 सब्सक्राइबर हो गए, 500 और चाहिए, 1000 चाहिए टोटल। 1000 के बाद में ना इनकम हमारी शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं काम पे और देखते हैं होता क्या है पूरे दिन। इधर जो है राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रभवन की ड्यूटी मिली थी मेरे को पहली, और बहुत दूर खड़ा हूँ मैं यहाँ से, कम से कम 2-3 किलोमीटर है। काफ़ी तुम्हें दूर से दिख रहा होगा, बहुत ही दूर से, इतना दूर हूँ कि वहाँ पे जो है ना एंट्री नहीं है ऑटो की। और इधर जो है, इधर इंडिया गेट है, ये मेरा ऑटो खड़ा है, ठीक है। पहली ड्यूटी यहाँ की मिली थी, ठीक है। अभी हम यहाँ से चलते हैं, पीछे मेरे राष्ट्रपति भवन है, ड्यूटी आ गई है, और चलते हैं, उठाते हैं ड्यूटी को, फिर देखते हैं कहाँ की दूसरी ड्यूटी मिली है, कहाँ की नहीं मिली है। अभी मैं राष्ट्रपति भवन आया था, ठीक है। ये देख सकते हो नज़ारा इंडिया गेट का, ये सारा, ये देखो, ये मेरा ऑटो खड़ा पीछे, और ये देखो, ये केंद्र सचिवालय है उधर, सेकंड सेकेंडरी मेट्रो स्टेशन, ठीक है। रेल भवन है उधर, और इंडिया गेट है। चलते हैं अब ड्यूटी, देखते हैं कहाँ की आई है, उठाते हैं ड्यूटी। दोपहर के बज रहे हैं 1, ठीक है, और मैं हूँ अभी इस समय नोएडा बॉर्डर पर, यानी कि न्यू अशोकनगर। ये जो पीछे से रास्ता आ रहा है न्यू अशोकनगर से, यानी कि नोएडा से आ रहा है, और इधर चला जाएगा दिल्ली। अभी बीच में भाई का होटल पड़ता है, देखो ये है, और खा लेते हैं, देखते हैं, पूछते हैं क्या खाना खा लेते हैं। 1 बज रहा है। क्या क्या रोटी सब्जी है आपके पास? पराठे रोटी सब्जी क्या है? और भैया हमारा लग गया है खाना, ये देख सकते हो खाने में क्या है। छाछ है 1 गिलास, चने की सब्जी है, चटनी है, प्याज है, और तवे की रोटी है। ये देख, तवे की रोटी, सादा सिंपल खाना, ठीक है। चलो खाते हैं खाना। जो भैया थे ना, वो उनके भैया है, मैन ऑनर ही है। देखो मैंने दिखाया था अपने वीडियो में भी, कोई खाना खाऊंगा क्या नहीं है, दाल है, चावल है, कढ़ी है, क्या है क्या नहीं, मैन खाना ये बनाती है। देखो ठीक है, खाना खा लिया हमने, बढ़िया खाना लगा। न्यू अशोकनगर के पास में है, नोएडा से लगे हुए, साथ में नई शॉप खोली है इन्होंने, अच्छा लगा खाना, खा लिया खाना, पैसे दे के निकलेंगे भाई, काम करेंगे। हेलो दोस्तों, ये देख सकते हो ये जगह, आप पहचानने हो कहाँ की है, दिल्ली में है ये जगह, और कहाँ की है, कितना अच्छा है। देखो ये देखो, आप अगर इस जगह को पहचानते हो ना, तो कमेंट करके बताइएगा कि दिल्ली में ये है कौन सी जगह। ये देखो दिल्ली में ये है कौन सी जगह, ये देखो, चारों तरफ दिखा दूंगा मैं आपको, ये देखिए चारों तरफ दिखाऊंगा, ये देखिए कौन सी जगह है ये दिल्ली में, बताइए। ऑटो मेरा वहाँ खड़ा है, बहुत दूर, बहुत खड़ा है ऑटो मेरा, इतना दूर खड़ा है, काफ़ी दूर हूँ मैं, वीडियो शूट करने के लिए आ गया, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि दिल्ली में ये ऐसी जगह है कहाँ पर। ये बताऊँगा नहीं, मैं नहीं बताऊँगा, आप लोग कमेंट करके बताओगे ना, तभी पता लगेगा कि भाई आप इस जगह पे आए हो दिल्ली में या नहीं आए हो, ठीक है। ये देख सकते हो दिल्ली में बहुत ही अच्छी जगह है, और रोड भी है, चारों तरफ घूम जाओगे ना, फ्लाईओवर ही फ्लाईओवर मिलेंगे, ऐसी जगह ये है कहाँ दिल्ली में। ये देखो चारों तरफ ये ऐसे ही मिलेगा, ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो, बताओ कमेंट करके ये है कौन सी जगह है।